मैं जिंदा लौट आई इसका अभी तक मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई हूं। ये कहना है अफगानिस्तान से वापस लौटी सविता शाही का। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत अफगानिस्तान से ही करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, उनके क्रूर चेहरे को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, उसको लेकर सही हकीकत बयां की है। 8 साल यूएस आर्मी और उनके अलावा अन्य जगह पर काम करने वाली एक महिला सविता शाही ने, उसने साफ तौर पर यह बताया कि कैसे तालिबानियों ने काबुल को कब्जा किया और कैसे आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने उनको उस मुसीबत से बाहर निकाला, जिसमें देखकर उन्हें साफ अंदाजा हो रहा था कि अब वापस जिंदा लौटना बेहद मुश्किल है। सविता शाही ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हालात हैं वो सही मायने में दिखाए भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चले हैं। लगातार शेलिंग हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। तड़ तड़ की इन आवाजों के बीच में सविता शाही बेहद घबराई हुई थी, लेकिन जब वो अपने घर लौटी तो इंडियन एयरफोर्स का धन्यवाद देते हुए वो थक नहीं रही हैं, क्योंकि जिस यूएस आर्मी के साथ 8 साल तक मेडिकल लाइन में उन्होंने काम किया वो उन्हें बचाने में नाकाम रही। आखिरकार वो इंडियन एयरफोर्स ही थी जिसने उन्हें सकुशल जिंदा वापस हिंदुस्तान की जमीन को चूमने के लिए एक बार वापस लौटा दिया। ऐसी इंडियन आर्मी को हमारा सलाम। चमोली जिले से एक ऐसे वात्सल्य प्रेम की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो न आपने कभी सुनी होगी और न कभी पढ़ी होगी। ये कहानी है एक दंपत्ति की जो एक दिन जंगल में विचरण करने के दौरान एक जंगली जानवर के करीब पहुंचे, और जब करीब पहुंचे तो देखा कि ये एक जंगली हिरन का बच्चा है। एक दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि आखिर इस जंगली हिरन की माँ जरूर सामने आएगी, लेकिन दूसरे दिन जब वो दंपत्ति उस हिरन के बच्चे के करीब गए तो उसकी हालत बेहद ख़राब थी। ऐसे में उस दंपत्ति ने उस हिरन के बच्चे को उठाया और अपने साथ अपने घर ले आए और एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने लगे। 18 महीने तक उस हिरन के बच्चे की देखभाल करते करते वक्त ऐसे बीत गया कि मानो उनको पता ही न चला हो। बिल्कुल अपने पुत्र की तरह स्नेह करने वाली इस दंपत्ति ने जब खाना और पीना शुरू किया तो ऐसे में हिरन का वो बच्चा भी उनके करीब और निकट आता चला गया। यही कारण है कि हिरन के बच्चे ने न केवल उनके साथ खाना पीना शुरू कर दिया बल्कि उनके साथ सोना भी शुरू कर दिया। ऐसे में जब वन विभाग को इसकी सूचना मिली तो वन विभाग आगे आया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध लगा है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन ऐसे में ग्रामीण हैं कि मानने को तैयार ही नहीं और गलती अपनी वो मानते भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें गलती सरकार की है, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर निर्देश किया था सरकार को कि वो जल्द से जल्द इस यात्रा मार्ग को सुसज्जित करे, वहाँ पर जो गाइडलाइन कोरोना की हैं उनको पूर्ण रूप से संचालित करे, तभी चारधाम यात्रा खुलने के आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से मिल पाएंगे। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से नाकाम हुई। ऐसे में आसपास के ग्रामीणों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए कूच किया, जहां पर पुलिस ने उनको बैरिकेड लगाकर रोक दिया। काफी नोकझोंक भी हुई और धक्का मुक्की हुई, लेकिन इस दौरान दोनों ही पक्ष अपने आप में सही साबित होते हैं, सही नजर आते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं वो भी सही है, और ग्रामीण जो बद्री विशाल के दर्शन करना चाहते हैं वो भी सही है। कहीं ना कहीं अगर इसमें गलती है तो वो उत्तराखंड सरकार की है, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन अभी तक उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं हो पाया है। रंग बिरंगी राखियां और राखियों के आने वाले त्यौहार को लेकर देश और प्रदेश दोनों में ही एक अच्छा माहौल है जिसके लिए लोग लालायित हैं। ऐसे में राखियों का एक अलग पैटर्न देखने को मिला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के काशीपुर से गोबर की राखियां बनाने का काम वहां के लोगों ने किया है। ये राखी बेहद प्रचलित होती जा रही है और लोग उत्सुक हैं इसको खरीदने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान 2 दिन के अपने प्रोग्राम के तहत हरिद्वार में मौजूद हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं।
पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात करेंगे और इसके अलावा सांसदों से भी बात करेंगे। उनका मिशन है कि 2022 के चुनाव को कैसे पार किया जाए और कैसे उस चुनौती को लड़ा जाए ताकि भाजपा 2022 में एक बार फिर से अपना परचम लहरा सके। इसके लिए दो दिवसीय प्रोग्राम के तहत जेपी नड्डा बेहद गंभीर मुद्दों पर भी सरकार से और संगठन से बातचीत करने में लगे हैं। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।